मूर्ति पूजा करना सही है या गलत है, पाप है या पुण्य है? सदियों से इस विषय पर बहस चली आ रही है। हिंदू धर्म में भगवान को मानने वाले लगभग सभी लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मूर्ति की पूजा में विश्वास नहीं रखते। उनको लगता है कि मूर्ति की पूजा करने वाले व्यक्ति मूर्ख होते हैं। तो क्या यह बात सत्य है? क्या सच में मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है? इस प्रश्न का उत्तर हम स्वामी विवेकानंद जी की एक कहानी एवं भगवद गीता के एक श्लोक के माध्यम से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्ण। एक बार एक राजा ने स्वामी विवेकानंद जी को अपने महल में बुलाया। फिर उस राजा ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, आपके धर्म के लोग मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? यह तो महज एक मिट्टी एवं धातु की बनी हुई मूर्ति है। फिर वह राजा कहता है, मेरे हिसाब से तो मूर्ति पूजा करना मूर्खता की बात है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, राजा आपके पीछे दीवार पर लगी तस्वीर किसकी है? राजा कहता है, मेरे पिताजी की है। फिर विवेकानंद जी कहते हैं, आप उस तस्वीर को हाथ में लीजिए और उस पर थूकिए। राजा गुस्से में कहते हैं, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? मैं अपने पिताजी की तस्वीर पर कैसे थूक सकता हूं? फिर विवेकानंद जी कहते हैं, वैसे ही हम भी एक पत्थर मिट्टी एवं धातु की मूर्ति को भगवान का स्वरूप मानते हैं। हमारे लिए मूर्ति सामने हो तो मन एकाग्र करने में आसानी होती है, और फिर भगवान तो कण कण में होते हैं। इस विषय से संबंधित गीता में भी एक श्लोक पाया जाता है। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त जिस भी मूर्ति की पूजा श्रद्धा पूर्वक करता है, मैं उस भक्त की श्रद्धा उसी देवता में ग्रहण कर लेता हूं। इससे यह सिद्ध होता है कि मूर्ति पूजा व्यर्थ नहीं है। हम हिंदू हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, हम मूर्ति की भी पूजा करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। आशा करता हूं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्ण।